औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि अलैहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में अफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, माइनस इमरान खान तो करना पड़ेगा, कौन करेगा इस पर बात करते हैं जी। आर्टिकल 6 भी लगेगा और हर सूरत में लगेगा, किन पर लगेगा इस पर बात करते हैं। और दूसरा, इमरान खान साहब ने जरदारी साहब को फंसा दिया। सबसे पहले जी, इमरान खान को हर सूरत पर माइनस किया जाएगा। और ये जो है शख्स जो है, ये मुल्क में नासूर है, ये कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। बड़ा खूबसूरत लगा इमरान खान साहब के बारे में माइनस करने का जो फार्मूला राणा सुनाला साहब ने पेश किया। वर्कर्स कन्वेंशन में वो बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि लोगों को कहा, वहाँ पर जो वर्कर कन्वेंशन में लोग मौजूद थे, कि माइनस इमरान खान होगा आपकी वोट की ताकत से, आप अपने आप में यगानकत पैदा करें और इस नासूर से निजात दिलाने के लिए वोट की ताकत से इमरान खान को माइनस करें। बड़ी खूबसूरत बात है जी, तुंद तेज और तल्ख लहजे में, नफ़रत भरे जो भी लहजे हों, मगर ये बात जो पहले हम सुनते आए थे कि इमरान खान को थ्रू कोर्ट किया जाएगा, माइनस वन किया जाएगा, थ्रू अटैक किया जाएगा, या किसी और भी पॉसिबल वे जो अख्तियार किया जाए, उसे इम्पॉसिबल ज़रिए से उसे माइनस किया जाएगा। मगर राणा साहब के ज़रिए बड़ी अच्छी बात लगी कि इससे लगता है कि इलेक्शन में जाने की तैयारी और मुकाबले की भी तैयारी है। बड़ा अच्छा लगा, मैदान सज रहे हैं जी सियासत का, और ये मैदान सजने के पीछे इलेक्शन की तैयारियां साफ नज़र आती हैं। और इसमें अब फैसला अवाम का जी, नवाज शरीफ को माइनस करना है, इमरान खान को माइनस करना है, और पीपल्स पार्टी को माइनस करता है। मेरा ख्याल है माइनस का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, सारे प्लस रहने चाहिए। इसमें इमरान खान हो, आसफ़ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, ये मुल्क की जो निज़ाम चलाने वाले लोग हैं, नए लोगों को लाएं, प्लस करें, नई क़यादत को प्लस करें। पूरी असम्बली 70 साल से ऊपर लोगों पर मुश्तमिल है, नई क़यादत को आने दें, नए लोग हैं पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है, उनको भी जगह दें। इस वक्त वैसे तो रिटायर्ड लोगों को 60 साल से ऊपर हो जाए तो नौकरी नहीं मिलती, मगर सियासत ऐसा मैदान में 100 साल तक भी चलता है, चाहे कुछ कर सके ना कर सके सियासत कर सकता है। और मरियम साहबा की बड़ी दिलचस्प खिताब था जी, उन्होंने भी बड़ी, आपको पता है, धुआंधार किस्म की, अगर उनका खिताब ना हो तो उस वक्त तक वो खिताब ही नहीं होता, और लोग जो है वो उस वक्त तक उनके खिताब से लुत्फानंदोज़ ही नहीं होते, और फिर वो दो दो मन की तोलती हैं। और ऐसे में उन्होंने 5 के टोले का बड़ा दिलचस्प जिक्र किया जी, उसमें ख़ास तौर पर बहुत मानी खेज थी 2 बैसाखियाँ इमरान खान की, जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिनकी गलत पॉलिसियों से इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। मगर इतनी तुंदो तेज़ और तल्ख किस्म की गुफ्तगू में 2 बैसाखियों का नाम नहीं लिया जाता। अब वो बैसाखियाँ लकड़ी की हैं, वो जानदार हैं, अगर जानदार हैं तो ज़ाहिर है इंसान होंगे तो उनका नाम होगा। वो नाम लेते हुए पर जलते हैं, ज़बान कटती है, ज़बान गुंग हो जाती है। तो ज़ाहिर है सियासत है जी, कभी तो नाम ले लिए जाते हैं, कभी नहीं लिए जाते। लिए जाते हैं तो किस मकसद के लिए लिए जाते हैं, और नहीं लिए जाते तो इसका भी तो कोई मकसद होता है ना। तो सियासत है जी, सियासत का खेल है, वो कभी माइनस चल के कभी प्लस चल के खेला जाता है, जारी रखा जाता है, और उसका मतमाई नज़र जो है वो अपने मफादात होते हैं, अपने तहफ़ुज़ात होते हैं। अवाम जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, अवाम एक सीढ़ी की तरह होती है जिस पर कदम रखते हुए वोट के एक एक वोट के ऊपर चढ़ के ये इक्तदार की सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, फिर वो सीढ़ी को खुद ही अपने हाथों से गिरा देते हैं, और उस सीढ़ी को थामने वाली अवाम जो है वो गई, वो थामे रखती है, ऊपर से कहते हैं चल भाई छुट्टी कर, तेरा गम मुक गया, साढ़ा गम शुरू हुए। तो यह है जनाब सियासत होती है जी। और अब इसके बाद करते हैं जी, आर्टिकल 6 लगेगा, हर सूरत में लगेगा, किस पे लगेगा, ये चौधरी एतजाज साहब ने बड़े वाज़ अल्फाज में बता दिया। उन्होंने बताया कि
ये गवर्नर, उनसे सवाल किया गया कि अगर गवर्नर इलेक्शन नहीं करवाते, इलेक्शन कमीशन को जैसा कि इन्होंने खत लिख दिया गवर्नर्स ने कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है इस वक्त मुल्क में, तो इलेक्शन कमीशन में बात डाल दिया कि वो तारीख दे, तो एतजाज असलम साहब ने सीधा सीधा बता दिया कि अगर गवर्नर डिले करने की टैक्टिक्स यूज़ करेंगे, दोनदादली से बैठने की कोशिश करेंगे, या हुकूमत के साय के तले अपने इकतदार को तूल देंगे, इस निगरान इकतदार को, तो उन पर आर्टिकल 6 लगेगा, और इस ज़बरदस्ती के आलम में किसी और को भी अगर किसी से लाया जाता है, इन्हीं इस मनसब पे बैठाया जाता है, वो भी आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा। अगर फाइनेंशियल एमरजेंसी का नफाज करके या कोई भी और तरीका डिले टैक्टिक्स यूज़ करने का जो भी इस्तेमाल होगा, उन पे आर्टिकल 6 लगेगा। अब ये गवर्नमेंट जैसा कि सोच रही है कि इलेक्शनों को किसी तरह पोस्टपोन किया जाए, डिले किया जाए, किसी तरीके से खींचा जाए जनाब अलवी साहब की रिटायरमेंट तक, जस्टिस की रिटायरमेंट तक, तो फिर इसके बाद कुछ किया जाए, मगर ऐसा होता नज़र नहीं आता, एतराज़ साहब ने वाजे कर दिया। अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने जरदारी साहब को फंसा के रख दिया है। जरदारी साहब ने हतक इज़्ज़त का 10 अरब हर्जाने का दावा करने का वो कर रखा था, या इमरान खान माफ़ी मांगे, तो इमरान खान साहब ने आज सीधा सीधा कह दिया जी मैं अपने बयान पर कायम हूँ, मेरे पास बहुत ठोस सबूत मौजूद हैं और वक्त पड़ने पर मैं पेश भी कर दूंगा। शेख रशीद ने भी कहा कि मेरे पास ठोस सबूत है, मैं आर्मी चीफ को बताऊंगा। और दूसरा उन्होंने कहा माफ़ी तब मांगूंगा अगर जरदारी साहब कुरान पर हाथ रख कर कह दे कि उन्होंने ये साजिश नहीं की, ये जो मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ इस पे वो बताएं कि क्या ये इल्ज़ाम सच है, क्या उन्होंने किसी को हायर नहीं किया। तो इमरान खान साहब जो है वो अपनी बात पर कायम है। अब जरदारी साहब फंस गए, देखते हैं जी अपने लिए वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसके बाद नफाज चौधरी साहब आ गए जी, दबंग तरीके से बाहर आए, आते ही दुमदार किस्म का खिताब किया, और इसके बाद अब वो आएंगे मैदान में फिर भी, और इसके साथ साथ देखिएगा। बहरहाल बड़ा अच्छा है जी, सारे इस वक्त सियासत जो है अपोजिशन की सियासत, मतलब है इमरान खान साहब जलसे कर रहे थे, उनके मुकाबले भी अब मैदान सजेंगे, तो जाहिर है कौम को शायद कोई सही रास्ता मिल जाए। कोई भी आता है तो फैसला अवाम का है जी कि इमरान खान को माइनस रखना है या प्लस रखना है या किसको प्लस रखना है, ये तो अब अवाम फैसला करे। अल्लाह करे कि अवाम के फैसले को ही अहमियत दी जाए, फोकियत दी जाए, और मुल्क का मुस्तकबिल संवारने की बात की जाए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।